गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोरखनाथ की छात्राओं ने शुक्रवार को जिला महिला चिकित्सालय परिसर के अंदर प्रसूताओं के लिए जागरूकता अभियान का शिविर लगाया। गर्भावस्था और रहन सहन के विषयों पर आधारित शिविर का उद्घाटन जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर दिनेश सोनकर ने फीता काटकर किया। गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की गोरखनाथ की ANM और GNM की लगभग 60 छात्राओं ने एक महीने की पोस्टिंग पूरी करने के बाद प्रसूताओं को जागरूक करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया। जिला महिला चिकित्सालय में गर्भावस्था के दौरान उपचार के लिए आने वाली महिलाओं को कॉलेज की छात्राओं ने गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण, साफ सफाई, खान पान, शरीर में होने वाले परिवर्तन, विभिन्न प्रकार की सावधानी, रहन सहन और तौर तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की शिक्षिकाएं निमिषा चौबे, शालू राय, चंदा, ANM सुनीता, रिंकी, रजनी, प्रतिमा और GNM निकिता राय, श्रेया शुक्ल, शालिनी सहित अन्य ANM और GNM छात्राएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग गोरखनाथ की छात्रा निकिता राय और जिला चिकित्सालय के प्रभारी प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर दिनेश सोनकर ने कहा। मेरा नाम निकिता राय है, मैं गुरु श्री गोरखनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग की तरफ से हूँ। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे हम लोग को जो है टॉपिक मिले हुए हैं जिसपे हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे स्तनपान के बारे में और महावारी के दौरान जो मासिक धर्म के दौरान जो स्वच्छता होती है उसके बारे में, छोटे बच्चों की जो ख्याल रखना होता है, न्यूबॉर्न केयर होता है उसके बारे में, टीकाकरण के बारे में, जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक होता है उसके बारे में, और फैमिली प्लानिंग के बारे में यानी परिवार नियोजन के बारे में, ऐसे बहुत सारे टॉपिक मिले। सर्वाइकल कैंसर जो आजकल की औरतों के लिए मतलब बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, लगभग सभी औरतों को हो रही है समस्या, तो उसके बारे में हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया जिसमें हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एग्जीबिशन लगाए हैं। हम लोग यहाँ पे 60 छात्राएं हैं, 30 ANM की और 30 GNM की हैं। ये गुरु गोरखनाथ के स्टूडेंट हैं जो यहाँ नर्सिंग की ट्रेनिंग लेते हैं और इनकी पोस्टिंग यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए महिला हॉस्पिटल में रेगुलर की जाती है। और ये 30 का बैच अभी आया हुआ ना, तो 30-30 के बैच में वहाँ से भेजे जाते हैं, तो इनको डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग हमारे यहाँ दी जाती है। प्रैक्टिकली वार्ड से लेके, लेबर से लेके, OPD, एमनाइजेशन, तो इन बच्चों ने एक एग्जीबिशन प्लान किया था और एग्जीबिशन सभी टॉपिक पे लगाया है इन्होंने, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं उसका, इम्यूनाइजेशन का, स्वच्छता का, और इसी तरह से जितने भी टॉपिक होते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी और हाइजीन मेंटेन करने और टीनेजर से रिलेटेड हाइजीन जो होती है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का है,
तो ये सभी टॉपिक पे इन्होंने एग्जीबिशन लगाई हुई है और एग्जीबिशन के माध्यम से ये पब्लिक को भी एजुकेट करना चाहते हैं, उसी का आज यहाँ पे हमने इनॉग्रेशन किया था और इसके स्टूडेंट के साथ उनके टीचर भी यहाँ मौजूद हैं। और मैं चाहूँगा कि ये जो पब्लिक यहाँ आती है पेशेंट या दिखाने के लिए जो अटेंडेंट आते हैं उनको भी इसकी जानकारी मिले, जिससे कि वो अपने परिवार में इसको लागू करा सकें। माँ पे क्या प्रेगनेंसी के दौरान प्रिकॉशन लेने चाहिए, बच्चों को क्या किस तरह से टीकाकरण करना चाहिए, किस तरह से फीडिंग करानी चाहिए, और कम उम्र कम वजन का जो बच्चा होता है उसकी KMC कैसे कराते हैं, और एक्लेम्सिया में क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, ये सब इन लोगों ने दिखाया है। और ये उनके अटेंडेंट जो यहाँ पे आते हैं और उनको एजुकेट करने का भी एक तरीका है, और हम चाहेंगे कि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा जनता को मिल सके और बच्चे भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकें।